राजनीतिक भ्रष्टाचार, अभी आपने देखा होगा बहुत तेजी से जगह जगह छापे लग रहे हैं। अभी ईडी का छापा था, इनकम टैक्स का छापा हो, बहुत तेजी से लगने लगे। मतलब हर अब ये निगाह है सरकार की लगने लगे कि तुमने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, इस पर टैक्स नहीं लिया है, तो अब सरकार तुमने इतनी मेहनत करी वो सरकार सब वापस ले लेगी। तो सरकार की रचना उसी के ऊपर हम बोल रहे हैं। और ये बहुत ही जो आदमी करंट अफेयर से वो न्यूज़ पेपर पढ़ता है या उसको ताज़ा जानकारी होती है राजनीतिक चीज़ों को समझता है, वो थोड़ा सा इसको समझेगा तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। राजनीतिक भ्रष्टाचार, तो जो जितने छापे लग रहे हैं, पीला पंजा लग रहा है, कहीं कहीं लग रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, चलो एक नई शुरुआत हुई, चलो एक नई शुरुआत हुई, कुछ दिशा बदली थी, कुछ दिशा बदली थी, पहले भी कुछ दिशा बदली थी। कांग्रेस के जमाने में इंदिरा गांधी जी का शासन होता था तो बीपी सिंह उनके यहाँ वो होते थे, तो बीपी सिंह ने एक नई शुरुआत करी थी, कुछ दिशा बदली थी। बीपी सिंह ने बफोर्स तोप से कुछ दिशा बदली थी, चलो एक नई शुरुआत हुई, कुछ दिशा बदली थी बीपी सिंह ने बफोर्स तोप से। और बदली तस्वीर आरोपों से, आरोपों की एक घड़ी लगी। पहले एक सिद्धांत बना था कि कोई राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के लिए मिल बांट के खूब रश्वत खाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन एक दूसरे के परिवारों पे और एक दूसरे पर आरोप भी लगाएंगे। ये इस प्रथा को तोड़ा किसने? पहले तो बीपी सिंह ने तोड़ा कि जो हथियार लिए जाते थे, रक्षा सौदा लिया जाता था, उसके अंदर जो दलाली ली जाती थी वो उन्होंने इसकी भ्रम को तोड़ दिया, जनता को बता दिया कि राजनीतिक दल बुले हुए नहीं है। फिर कुछ केजरीवाल ने कहा कि हम एक दूसरे पे जो आरोप लगाते हैं तो पहले नहीं लगाते, तो इस भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने कहा तुम चोर हो। तो बदली तस्वीर आरोपों से केजरीवाल ने, मोदी युग बदल रहा नित नई नीत, मोदी युग बदल रहा नित नई नीत, जब आएगा नंबर काय का नंबर आएगा, जब आएगा नंबर सत्ता में लगे गमछों चमचों का। अभी तो साहब विरोधी की बात हो रही है, ये जहां जाने अब सत्ता में लगे जो लोग आ गए, जो गमछे चमचे डाले रहते हैं चमचों का, जब आएगा नंबर सत्ता में लगे गमछों और चमचों का, अपनी ओर नजर भी कर लो। ये एक निरस्पष्ट अब जनता की आवाज है जो मेरे माध्यम से निकल रही है। तो हम लोग कह रहे हैं काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, कुछ अपनी ओर भी नजर कर लो, होंगे कितने आस्तीन के सांप। वोट बैंक सत्ता सुनिश्चित जब हो जाती है, वोट बैंक सत्ता सुनिश्चित हो जाती है, तो करो प्रयास राम राज, करो प्रयास राम राज का, कुछ अपनों को भी लिस्ट में शामिल कर लोगे, कुछ अपनों को भी लिस्ट में शामिल कर लोगे तो कुछ कुछ राम राज स्थापित हो जाए। अब जितनी सरकारें आएंगी सभी बुलडोजर ईडी का पंजा लड़वाएंगी और पंजा चलवाएंगी। अब तो ये नियम बनेगा, जो आएगी जरूरी नहीं कि कोई भी सरकार आए, चलो कुछ तो भला होगा जनता का, कुछ तो भला होगा, विपक्ष कुछ सशक्त तो होगा। जब विपक्ष कमजोर होता है, ध्यान रखिए, जब विपक्ष कमजोर होता है अपने ही गैर हो जाया करते हैं, अपने ही गैर हो जाया करते हैं, अपने ही गैर हो जाया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।